Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. Today we will learn a GK subject and chapter number 22, vehicles. बच्चों हमें आज व्हीकल्स सीखने हैं। बच्चों आप जब बाजार जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो किसी व्हीकल में बैठ के जाते होंगे ना। एंड आप मार्केट में कहीं पे भी जाते हो तो अलग अलग व्हीकल्स देखते हो, तो हमें आज उसे पहचानना है कि ये कौन सा व्हीकल है। तो बच्चों ये जो पहला व्हीकल है ये किस व्हीकल का पिक्चर है, तो ये है हॉर्स कैरिज, जो घोड़े से चलता है वो हॉर्स कैरिज है। एंड देन ये है बुलक कार्ट, इसे क्या कहते हैं हम, बुलक कार्ट कहते हैं जो बैल से चलता है। बच्चों ये जो हॉर्स कैरेज एंड बुलक कार्ट हैं वो पहले मतलब कि बहुत पुराने समय में ये दोनों चलते थे। अभी तो बहुत सारे नए नए व्हीकल्स आ गए हैं तो हमें हॉर्स कैरेज एंड बुलक कार्ट मोस्टली नहीं दिखाई देंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये है हेलीकॉप्टर एंड ये है एरोप्लेन, फिर ये है बस, आप तो बस में कई बार बैठे होगे है ना, फिर ये है कार, ये है मोटरसाइकिल जिसे हम बाइक भी बोलते हैं, एंड ये है बाइसिकल या साइकिल। आप शाम को घर के आसपास ये बाइसिकल चलाते होंगे ना। अभी हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, तो बच्चों ये है क्रूज लाइनर, इसे क्या कहते हैं, क्रूज लाइनर कहते हैं। बच्चों ये क्रूज लाइनर आपने देखा है कभी, नहीं देखा होगा है ना। बच्चों ये क्रूज लाइनर यात्रियों के लिए यूज होता है, हमें कहीं पे बहुत लंबी यात्रा समुद्र के मार्ग से करनी होती है तो हम क्रूज लाइनर का यूज करते हैं। क्रूज लाइनर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, फिर किचन भी होता है, वॉशरूम भी होता है, एंड सभी फैसिलिटीज क्रूज लाइनर में होती है। बहुत लंबी यात्रा हो तो क्रूज लाइनर का यूज करना चाहिए समुद्र के लिए। फिर ये है ऑटो रिक्शो एंड ये है ट्रेन। बच्चों अभी यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज दी हुई है तो हम पढ़ेंगे, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब कि ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना है बच्चों, कि एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड उसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो दोनों में से जो वर्ड गलत है उस पर हमें स्ट्राइक आउट करना है। तो फर्स्ट है अ कार और मोटरसाइकिल हैज फॉर व्हील्स। तो बच्चों कार में फोर व्हील्स होते हैं कि मोटरसाइकिल में, कार में होते हैं तो मोटरसाइकिल के ऊपर हम लिटी करेंगे। देन सेकंड द हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट व्हीकल। तो बच्चों हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन में से फास्टेस्ट व्हीकल कौन सा है, एरोप्लेन है। तो हेलीकॉप्टर के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। थर्ड और ट्रेन और बस हैज मैनी व्हील्स। तो बच्चों आपको तो मालूम ही होगा कि सबसे ज़्यादा व्हील्स किस में होते हैं, ट्रेन में कि या फिर बस में, तो ट्रेन में होते हैं, तो बस के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे। फोर्थ वन इज द स्कूटर और मोटरसाइकिल इज द फास्टेस्ट टू व्हीलर। तो बच्चों स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल यानी कि बाइक, उन दोनों में से टू व्हीलर्स में सबसे फास्टेस्ट व्हीकल कौन सा है, तो मोटरसाइकिल है, तो स्कूटर के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे। एंड लास्ट वन इज अ मोटर कार इज बिगर और स्मॉलर देन एन ऑटो रिक्शो। तो बच्चों इसमें हमें क्या पूछा है कि मोटर कार मतलब कि जो कार है वो ऑटो रिक्शो यानी कि जो रिक्शा होती है उससे बड़ी है या छोटी है, तो ऑब्वियसली बड़ी ही है, तो स्मॉलर के ऊपर हम स्ट्राइक आउट करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर व्हीकल्स। थैंक यू।